इसका निराधारण जिसका निर्धारण जो है
कर्मों के आधार पर भगवान की प्रतिनिधि करते हैं। ऐसा नहीं है तो सभी रेत के कणों में जीवात्मा नहीं होती। जिस जीवात्मा को जिस कण के ऊपर बिठाया जाता है वही उस जूनी में जाएगा। देव नेत्रेण शब्द जो है पूरा ये श्लोक तीसरे अध्याय का, यह श्लोक का नंबर नहीं दिया हुआ है, नंबर नहीं दिया हुआ है, परंतु तीसरे अध्याय का ये बहुत प्रसिद्ध श्लोक है। तो प्रभुपाद लिखते हैं कैसे विशेष जोनी में कोई जीव जाता है तो इसका निर्णय जो है परम की इच्छा से होता है। ऐसे लिखा है पहली लाइन देखो, भगवान की इच्छा से। भगवान किसको कौन सी जूनी में डालना चाहता है और उसको उनके कर्मों के अनुसार डालता है, परंतु ये है भगवान के हाथ में। असुर तो भगवान का आदित्य आधिपत्य तो नहीं मानते हैं, असुर नहीं मानते हैं, इसलिए वो अपनी मनमानी करते हैं, परंतु दूसरा जन्म वो तो भगवान ही उनको देगा, अपने आप नहीं ले सकते, इसलिए भागवत का श्लोक किया हुआ। तीसरे स्कंद भागवत में क्या कहा गया है, मृत्यु के बाद जीव को माता के गर्भ में रखा जाता है। और लास्ट लाइन क्या लिखी है, जहां उच्च शक्ति के निरीक्षण में उसे विशेष प्रकार का शरीर प्राप्त होता है, यही कारण है कि संसार में जीवों की इतनी योनियां प्राप्त होती है। देव नेत्रण लास्ट लाइन है, देव नेत्रण हाँ, ये शब्द श्लोक अगर निकाल लें कहीं से तो अच्छा है। कर्मणा देव नेत्रेण जंतु, तो ये तीसरे अध्याय का होना चाहिए आखिरी वर्णन, तीस इकतीस अध्याय में कहीं होना चाहिए। हाँ, तो ये जो है होना चाहिए वहीं उस जहाँ जहाँ जीव का कपिल देव जो है गर्भ में आना लिख रहे हैं, उस 31 में 31 में 30-31 में कहीं होना चाहिए। कौन सा है इसको निकाल के या इसके सामने लिख रहे तो अच्छा है, अपने पुस्तक में लिखा रहे तो अच्छा रहे। हाँ, तो इसके कोने के किताब में लिख लो तो आसानी रहेगी। श्री भगवान कर्मणा देव नेत्रेण जंतु देहोपद्यते स्त्रियः प्रविष्टः उदरं पुंसो नेत्रकणाः। कर्मणा देव नेत्रेण ये श्लोक है, ठीक है, ये श्लोक यहाँ यह हुआ है 31-1। अब प्रभुपाद जी कहते इसीलिए भौतिक जगत में हमको नाना प्रकार की जूनियां मिलती हैं और इसका निर्धार भगवान के शक्तिशाली प्रतिनिधि यमराज ब्रह्मा आदि करते हैं। ये ऐसे नहीं है अचानक कोई गधा बन गया और कोई देवता बन गया, ऐसा नहीं है, अकस्मात नहीं होता, हर एक का कर्म और उसके ऊपर देव नेत्रण। तो असुरों के लिए तो यहाँ विशेष रूप से कहा गया है कि बार बार उसको ऐसे गर्भ में डाला जाएगा निरंतर, जो नराधम होंगे, नीच होंगे और हमेशा कामी रहेंगे, हिंसक रहेंगे, द्वेषी रहेंगे और अपवित्र रहेंगे। प्रभुपाद ने चार जो असुरी योनि वालों के चार लक्षण लिखे हैं, कामी, पूरा रूप से कामी होंगे, सदा ही हिंसित रहेंगे और द्वेषी रहेंगे और अपवित्र रहेंगे। प्रभुपाद ने एक उदाहरण दिया, जंगल में रहने वाले शिकारी जो है बैलिया अथवा मलेच्छ, उन्होंने मलेच्छ लिखा है,
प्राय ये सब जो सबर। ये जो हिंसिक आर्थिक वाली है, कामी पुरुष हैं, ये सब इसी में आते हैं, कोई पवित्रता नहीं, ये सब ये इसी योनि में आते हैं। आसुरी योनि महापना जन्म जन्म एक जन्म से दूसरे जन्म में वो मूर्ख मेरी कृपा प्राप्त नहीं करेगा और अधम योनियों में जाएगा। ये कुंती पुत्र भगवान को नहीं पाएगा तो कहां जाएगा? नीच योनियों में जाएगा। अब इसमें चक्रवर्ती पाद ने और बलदेव विद्याभूषण ने एक बहुत खास बात लिखी है, वो ये, कुछ असुर जो है वो शराब के कारण होते हैं। शराब किसी को शराब दिया, शाप दिया जाएगा, जैसे हिरण्यकश्यप ये शाप के कारण असुर हुआ है, रावण है शाप के कारण, तो इनको तो भगवान मारते हैं तो ये फिर असुर योनि में नहीं जाए। तो ऐसे कुछ अभिशापित जो है असुरी योनि वाले हैं जिनका भगवान उद्धार करते हैं वो इस श्रेणी में नहीं आते हैं। ऐसे ये लिखा है कि कुछ असुर ऐसे होते हैं जैसे कंस है, कंस है उसने मुझे प्राप्त कर लिया, क्योंकि मैं दयालु हूं, मैं आता हूं तो फिर कोई कितना नीच भी है मेरा दर्शन भी कर लेता है तो उसका उद्धार हो जाता है। वेद कहते हैं दशम स्कंद में कि भगवान के द्वेषी भी भगवान का ध्यान करते हुए भगवान को पा लेते हैं, जब भक्ति नहीं है फिर भी। तो अब बलदेव विद्याभूषण भी यही बात लिखते हैं, शापित असुर, बोले जो शापित असुर हैं और ऐसे राजा जो जिनके वो असुर अनुयायी हैं, जिनको शाप मिला है, जो बाहर से तो भगवान से ईर्ष्या करते हुए दिखाई देते हैं, जैसे वामन देव से ईर्ष्या कर रहा हो, नरसिंह से ईर्ष्या कर रहा हो, वाराह कर रहा हो, अपने शत्रु मानते हैं, परंतु अंदर में वो तो वेद के मार्ग के ऊपर चलने वाले हैं, वो भगवान उसको मानते हैं क्योंकि ये भगवान के धाम से आए हुए हैं। जो भी है ये जो हिरण जय विजय की बात कर रहे हैं, और वामन देव ने अगर किसी का उद्धार किया तो उनका असुर शरीर चला जाएगा, कृष्ण ने अगर किसी का उद्धार किया तो असुर योनि चली गई। तो ये वेदों के विरोधी नहीं है। श्रुति में लिखा है छान, जो नीच कर्म वाले असुर होते हैं उनको नीच योनि कुत्ता बिल्ला में जाना पड़ता है। परंतु भगवान तो सत्य संकल्प है, वो कुछ भी कर सकते हैं, अयोग्य को योग्य बना सकते हैं, किसी से भगवान पक्षपात नहीं करते हैं। ऐसा नहीं कहना चाहिए भगवान असुर योनि में डालते हैं उनको तो ये उनके साथ भगवान अन्याय करते हैं, नहीं। वेदांत सूत्र में लिखा है कि भगवान किसी से पक्षपात नहीं करते हैं। तो यहां उन असुरों का वर्णन किया गया है जो शास्त्र के नियमों का उल्लंघन करते हैं, वो सदा ही नरक में वास करते हैं। अब प्रभुपाद जी लिखते हैं, ये कहा जाता है कि भगवान परम दयालु है, परंतु यहां हम देखते हैं कि असुरों के ऊपर भगवान कभी भी दया नहीं करते। यहां तो बताया कहा है कि जन्म जन्म के बाद बारंबार
अश्वि को अश्वि योनि में भगवान अश्वि प्रवृत्ति वालों को अश्वि योनि में डालेंगे और नीच योनि में चले जाएंगे, कुत्ते पीते गधे की योनि में चले जाएंगे, सुकर कुकर बनेंगे। वो उनके ऊपर भगवान की कृपा नहीं मिलेगी भविष्य जन्म में भी ऐसे लगता है। वेद भी कहता है ये जो श्लोक है गीता शुद्धि का कारक में कि ये नीच जूनियों में जाएंगे। अब एक प्रश्न उठाया है क्या भगवान के हिरण्यकशिपु भी था सब थे परंतु वो वास्तव में नहीं थे। तो भगवान से ईर्ष्या कर सभी करते हैं तभी तो संसार में है, भगवान से ईर्ष्या करते हैं तभी तो संसार में है। परंतु असुरी जो मोह से युक्त हैं उनका ये हाल है। अब देखो एक लाइन प्रभुपाद लिखिए, इसको ध्यान से पढ़िए, फिर भगवान को दयालु क्यों कहा जाए। क्या शब्द कारण असुरों को न्यूनतम योनि में रखना उनकी कृपा की अन्य विशेषता है। ये कहा जा सकता है कि भगवान असुर भगवान को ऐसे उनको प्रदर्शन नहीं करना चाहिए कि वो परम दयालु है, क्योंकि वो असुरों के ऊपर दया करते ही नहीं। बध करते बध करने से उसका बल्ला टूटता है। नहीं ये जो संदेह क्या उत्पन्न किया गया है और उसका उत्तर क्या है। देखो संदेह क्या है, पहला संदेह देखो फिर उत्तर देखो। डाउट क्या है कि लोग इस बात का संसार में फिर आप प्रचार मत करो कि भगवान परम दयालु हो, क्योंकि असुर पर तो दया करता ही नहीं, तो भगवान को दयालु क्यों कहते हो। ये कुछ लोग ऐसा तर्क दे सकते हैं, तो उसका उत्तर ये है वेदांत सूत्र कहता है कि भगवान किसी से भी द्वेष नहीं करता। और असुरों को असुर योनि में डालना भी भगवान की एक तो विशेष प्रकार की कृपा ही है। और कभी कभी ऐसे असुर भगवान के द्वारा अगर मारे जाते हैं तो उनको मुक्ति मिलती है, इनको उनका बड़ा लाभ होता है। और ऐसे बहुत से उदाहरण असुर की मुक्ति के भगवान के द्वारा पाए जाते हैं। असुर रावण है, कंस है, हिरण्यकशिपु है, ये भाग्यशाली के भगवान का इनको दर्शन हुआ और भगवान ने इनका उद्धार किया। यहाँ हमारा ये विभाग पूरा होता है। तो अब कल जो प्रश्न किया था उनको बार बार असुरी योनि में डालते हैं। 19 और 20 लेकिन उसमें मुख्य बात ये लिखनी है जैसे उनके कर्मों के अनुसार भगवान अन्याय नहीं करते हैं और ये भी उनके हित के लिए होता है, ये बातें समझनी पड़ेगी। अब चौथे विभाग में ये तीसरा विभाग है हमारे हाथ में है कि हम नरक में जाने से बच जाएं और भगवान के धाम में जाए, ये हमको हमारे हाथ में है। तो ये बात की कि असुरी योनि में जाएंगे नरक में जाएंगे असुरी प्रवृत्ति, तो प्रश्न ये उठता है कौन से ऐसे मुख्य गुण हैं असुरों के जिसके कारण उनको नरक में जाना पड़ेगा। तो इसके लिए 21वां श्लोक है त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनं आत्मनः कामक्रोधस्तदा लोभः तस्मात्
अक्षयम द्वाम नाशम आत्मनः। आत्मा का नाश तो होता नहीं है, आत्मा तो अविनाशी है, तो आत्मा नाश का क्या अर्थ है? नीच जोड़ियों में गिरना, आत्मा के अधम जोड़ियों में जाना आत्मा का नाश। तो आत्मा के नरक आदि में जाने के तीन कारण है, काम क्रोध और लोभ। इनसे बचना चाहिए अगर नहीं जाना है नरक में। तो लोभ का प्रतीक था हिरण्यकशिपु, कामता रावण, क्रोध से छुपा। ये तीनों जोनियों में इन्होंने ये करके दिखाया कि नरक में जाने वाले क्या करते, क्या करते हैं। नर्क से बचना है तो इन तीनों ने जो किया वैसा मत करो। तीनों भगवान के धाम में गए लेकिन ऐसे काम नहीं करो। तो असुरों का भगवान ने विधिपत विस्तार से वर्णन किया और अर्जुन को कहा पांचवें श्लोक में, तुम डरो मत, तुम आसुरी गुणों से संपन्न नहीं हो, तुम देवी गुणों से संपन्न जन्म हुआ है। अब इन श्लोक में भगवान कहते हैं ये तीन जन्म से जिसके अंदर, जिसके स्वभाव में ये तीन दोष हैं, वो है असुर। ये तीन दोष जिसमें है वो असुर है। कौन सा? काम क्रोध लोभ। काम क्रोध लोभ। ये तो काम माने कौन सा काम? सही काम ना? सभी तरह की इच्छाएं, एनी टाइप ऑफ डिजायर। वो की इच्छाएं। और तीन काम है जो कभी नहीं छोड़ने चाहिए। दान, तप, यज्ञ। दान, तप और यज्ञ। दान देगा तो लोभ नहीं होगा। तप करेगा तो फिर काम वासना चली जाएगी और क्या रह गया? यज्ञ करेगा तो क्रोध, क्रोध करना ही यज्ञ में निषेध है। यज्ञ में क्रोध अत्रि को आया तो मना कर दी, अपना पृथ्वी महाराज को आया तो अत्रि ने मना कर, यज्ञ में क्रोध नहीं किया जा सकता। ये तीन इसके काट है दृष्टि से देखा जाए तो। तो वो ऐसा कैरेक्टर है जो काम क्रोध लोभ को करते हुए शिशुपाल, ये दंत वक्र रावण, ये सब छोड़, ये सब छोड़ के कभी भगवत धाम गया हो, ये सब ये ब्रह्म में लीन हुए ना। प्रश्न है जी, ऐसे ही कोई व्यक्ति है शास्त्र में दादा जो इन तीनों को छोड़ दिया है? ये सब तो सब भगवान के ही पार्षद है, उसको तो दिखा रहा है। अब यहां लिखा है कि असुरी स्वभाव से बचना है तो ये तीन दोषों से मुक्त हो। ये श्लोक का भाव है कि तीन दोषों से मुक्त होंगे तो असुरी भाव से बच जाएंगे। प्रभुपाद लिखते हैं, प्रभुपाद जी क्या लिख रहे हैं? असुरी जीवन का आरंभ यह वर्णन किया गया है, जो अपनी काम क्रोध और लोभ को तुष्टि करने में लगा है, उसी की पूर्ति में लगा है, वो असुरी प्रकृति का है। जो ऐसे नीचे असुरी योनियों में नहीं जाना चाहता है, हाँ, जो आत्मा को नाश करने वाले हैं और कभी मुक्त नहीं हो सकते हैं भौतिक बंधन से, उनको इनसे बचना चाहिए। काम क्रोध लोभ से कैसे बचे? काम क्रोध लोभ से कैसे बचे ये प्रश्न उठे तो क्या कहेंगे? भक्ति अब भी जाने, मनुष्य हो जाए अब भी जाने, भक्ति करने से सर्वे सुबह
काम कृष्ण कर्मान बने क्रोध भक्त देशी जने और लोग साधु संगे कृष्ण कथा हरि कथा में लोग हो साधु संग में लोग हो लोग इधर भेज दो और द्वेष करो कृष्ण कृष्ण के और भक्तों के जो द्वेष की है उनसे द्वेष करो और काम करो कृष्ण किसने के लिए कर्म खाने की इच्छा हुआ कृष्ण के बड़े बड़े प्रसाद बनाओ बड़े प्रसाद बना लो खा लो मुक्त कौंतेय तमो द्वार श्री विनर आचरते आत्मन श्रेय सतो याति परां गति एतेय नर जो व्यक्ति एते त्रिभिर तमो द्वार ही मुक्त इन तीनों जो नरक के रास्ते हैं उनसे बच जाता है आचरते आत्मश्रेय अपने आत्मा के श्रेय के लिए काम करता है हित के लिए काम करता है वो परम पद को प्राप्त करता है मुक्त होता है तो नरक के द्वारे बताए और उसके बचने का साधन बताया प्रभुपाद जी लिखते हैं हमें बहुत सावधान होना चाहिए मानव जन्म में इन काम क्रोध और लोभ के प्रति जितना हम अधिक इनसे मुक्त होते जाएंगे उतने हम अधिक हमारा अस्तित्व शुद्ध होता जाएगा तो जीवन में शुद्ध होने के लिए इन तीनों को आस्ते आस्ते कम करना चाहिए और प्रभुपाद जी कहते जब ये कुछ कम होंगे तभी हम वेदों के नियम का पालन कर सकेंगे और जब मानव समाज में हम वेदों के नियमों का पालन करेंगे तो हम आध्यात्मिक साक्षात्कार के स्तर पे आ जाएंगे अगर कोई भाग्यशाली कृष्ण भावना के स्तर पे आ जाता है तो उसके लिए सफलता निश्चित है और वेदों के अंदर नियम विधि और निषेध बताया हुआ है कि हम कैसे शुद्धि के स्तर पे आए क्या यहां लिखा कि वेद है विधि निषेध लिखा है क्या लिखा है ऐसे लिखा है लेकिन इसका अर्थ होना चाहिए विधि निषेध और ये सारे जो वेदों के अंदर विधि निषेध है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है काम क्रोध लोभ से मुक्त होना अब अगर हम ज्ञान अर्जित करें इनसे बचने के लिए तो ज्ञान अर्जित करेंगे तो आत्म साक्षात्कार करेंगे और आत्म साक्षात्कार की सिद्धि है भक्ति तो ज्ञान प्राप्त करके आत्म साक्षात्कार के स्तर पे आकर फिर भक्ति में प्रेरित और प्रवृत्त होना चाहिए क्योंकि भक्ति में जीव बद्ध जीव की मुक्ति निश्चित है अब बात यहां आ रही है कि वेद के जो नियम है किसके लिए है विधि निषेध तो अब यहां से शुरू हो रहा है वर्ण आश्रम चार वर्ण आश्रम के अपने नियम है शास्त्र में निर्धारित उनका पालन करना चाहिए और ये जो नियम है सब कोई अगर पालन करेगा तो वो स्वतः ही अपने आप ऊपर के स्तर पे आ जाएगा आध्यात्मिक अनुभूति हो जाएगी और मुक्ति का निसंदेह मुक्ति को प्राप्त करेगा 23 श्लोक अब ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है
यह शास्त्र विधिमुत्सर्ज वर्तते काम कारक न स सिद्धिमापनोति न सुखम न परां गति। जो शास्त्र विधि का उल्लंघन करेगा और अपनी मनमानी से कार्य करेगा अपनी इच्छा से, उनको तीन चीजें नहीं मिलेंगी। सिद्धि का मतलब जो कार्य करता उसमें सिद्धि नहीं मिलेगी, सुख नहीं मिलेगा और परम गति मरने के बाद नहीं मिलेगी। और यही एक मुख्य कसौटी है असुर और देव को विभाजन की। शास्त्र के नियम का उल्लंघन करने वाला असुर और शास्त्र के नियम के ऊपर चलने वाला देव। बलदेव विद्याभूषण कहते हैं जब तक वर्ण आश्रम के नियमों का पालन नहीं करेंगे तब तक नरक के तीनों द्वारों से बच नहीं सकते। चक्रवर्ती महाना बलदेव विद्याभूषण का कहना है जो अपने वर्ण आश्रम के नियमों का पालन नहीं करेगा वो नरक के तीन द्वारों से बचेगा नहीं। अब प्रश्न ये उठता है कि वर्ण आश्रम के नियम पालन करने के लिए कहाँ से पता लगेगा? बोले शास्त्र से। जाओ शास्त्र के, जाओ शास्त्र को देखो। इसका अर्थ है जो शास्त्र को नहीं मानेगा वो इन तीनों नरक के रास्तों से बच नहीं सकेगा। जो शास्त्र का नियम नहीं पालेगा वो कैसे जिएगा? अपने मन माने जिएगा, जैसे चाहेगा वैसे करेगा। तो फिर कभी भी उनको ये तीन चीजें नहीं मिलेंगी। सिद्धि का मतलब हृदय की शुद्धि, उसका हृदय शुद्ध नहीं होगा उसको शांति और सुख नहीं मिलेगा तो मुक्ति कहां से मिलेगी? प्रभुपाद लिखते शास्त्र विधि, शास्त्र का नियम वर्ण आश्रम के लिए मानव समाज में है और सबको इसका पालन करना चाहिए। कोई नहीं पालन करता है, अपने मनमानी करते करेगा तो काम क्रोध लोभ जो है छोड़ नहीं पाएगा। अपनी इच्छा से करेगा तो सिद्धि कहां पाए प्राप्त करेगा? अब प्रभुपाद जी दो तीन बातें लिखते हैं बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरे शब्दों में ये सब बातें आदमी जानता है, व्यक्ति ये सब बातें मान से ऐसे जानता है परंतु उनको जीवन में नहीं अपनाता तो उसको नराधम कहा जाएगा। जानता है परंतु मानता नहीं। मानव जन्म तो हमारे को दिया गया है कि हम कम से कम क्या होने चाहिए, पागल ना हो, नियम बुद्धिमान होके नियम पालन करें, उच्च स्तर के ऊपर आए, न कि हम नीचे की तरफ अपने आप को नरक में धकेलें। अब तीन ये ध्यान से पढ़ो, कोई नियम का पालन करे अच्छी तरह से परंतु भगवान को न जाने तो भी कोई लाभ नहीं। देखो बहुत से लोग हैं नियमों का पालन करते भगवान को नहीं जानते, भगवान को उन्हें पता नहीं, ये हुआ पहला। अब दूसरा है भगवान को भी जाने, नियमों का पालन करे भगवान को भी जाने परंतु भक्ति नहीं करे तो भी कोई लाभ नहीं है। पहले जाने शास्त्र का नियम जाने और उसका पालन भी करे लेकिन भगवान को नहीं जाने तो कोई लाभ नहीं। ऐसा श्लोक भागवत का याद आता है कोई वर्ण आश्रम का, वर्ण आश्रम के सारे नियम पालन करे लेकिन विष्णु भक्ति नहीं करे तो सर्व एवी केवल तो विष्णु आराधना नहीं करे, सारा वर्ण आश्रम के नियम अच्छी तरह पालन करे तो सर्व एवी केवल बेकार का परिश्रम।
ये ये दो तीन श्लोक पहले स्कंद में है भागवत के। और भगवान को भी माने जाने परंतु उसकी भक्ति न करे तो भी कोई लाभ नहीं। इसका कोई उदाहरण ऐसा है? भगवान को जाने लेकिन भक्ति न करे। चार कुमार पहले ब्रह्मवादी थे, जब भगवान का सुगंध मिला तब जाकर भक्ति करना शुरू किया और परम पद की प्राप्ति। तो भगवान को इसका सीधा ये कि भगवान को ब्रह्म तक जाने ज्ञानी लेकिन भगवान की भक्ति न करे तो भी कोई विशेष लाभ नहीं। अब प्रभुपाद जी लिखते हैं धीरे धीरे हमको कृष्ण भावना के स्तर के ऊपर आना चाहिए, भक्ति में लगना चाहिए, तब हम ऊपर के स्तर पे आएंगे, नहीं तो कोई और साधन नहीं है। अब काम कारक की परिभाषा क्या है? काम कारक की प्रभुपाद जी परिभाषा क्या लिखते हैं? जान बूझ कर नियमों का उल्लंघन करना। काम कारक का अर्थ क्या है? जान बूझ कर नियमों का उल्लंघन करना। आपने कभी ऐसे जान बूझ कर नियमों का उल्लंघन किया ऐसे याद आता है कभी? हाँ, यहाँ पे नियम है कि यहाँ पे आना नहीं जाना है, हम तो जबरदस्ती घुस जाते हैं। हाँ, वगैरह प्रसाद आने जाने के लिए नियम है, नहीं जाना हम घुस जाते हैं। सही है, वो अभी हमें मालूम है भगवान को भोग लगा के प्रसाद नहीं खाना चाहिए, भूख लगती है कहीं भी कुछ भी देके खाना शुरू कर सकते हैं। अरे वैष्णव है ये तो जाए कुछ, ये तो हल्दीराम का है तो यहाँ से क्या है, इधर तो सब ठीक है लेके सब खा लेते हैं। हम जानते हैं नियम फिर भी अपने मन माने उनको तोड़ते हैं, ये है काम कार्य का अर्थ। नहीं करना चाहिए लिखा है फिर भी करते हैं, इसको बोलते हैं काम कार्य। और ये लिखा है कि ये करना चाह करना चाहिए फिर भी नहीं करता, ये दोनों लगेगा। काम कारक की परिभाषा दो है, जानता है नहीं करना है फिर करेगा, और जानता है करना और नहीं करेगा, ये दोनों है काम कारक की परिभाषा। जानता है कि रोज मुझे जब करना है लेकिन नहीं करेगा, भाई रोज भागवत में आना है नहीं आना, ये भी कर्म का ये भी काम पर हो गया। उस समय सोएगा जो आएगा। अब एक लाइन लिखिए उसको भी करे तो उसकी मर्जी, लेकिन प्रभुपाद ने एक लाइन इसके नीचे लिखी है उसको ध्यान से पढ़ो। ऐसे काम कारक को भगवान धिकारता है, क्या ना कहा भगवान के द्वारा नंदित है, धिकार जाओ बेकार है। तो कितना सावधान होना चाहिए इसमें, कोई दुनिया वाला कुछ ना हेक लाए लेकिन भगवान क्या करेगा, धिकारेगा। निंदा करने का होना निंदित है, या शब्द लिखा है उसका मतलब है कंडेम, कंडेम का मतलब लिख लो जाओ बेकार। ऐसे लोग मानव जन्म के लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते, और मानव जन्म अपने अस्तित्व को शुद्ध करने के लिए है, और उसके लिए नियमों का पालन करना चाहिए, तब हमारे अस्तित्व की शुद्धि होगी। और तभी ये शुद्धि का प्रभुपाद जी किसके लिए लिखे हैं, अस्तित्व की शुद्धि किसके लिए लिख रहे हैं, सिद्धि के लिए। और तब सुख प्राप्त होगा, तब हम वास्तविक सुख को प्राप्त करेंगे, ये सिद्धि हो गई और सुख हो गया फिर परम गति आएगी। अब पूर्ण आहुति का श्लोक इस अध्याय का आ रहा है, ये भगवान का आदेश है। क्या कृष्ण के अनुसार दैवी एवं आसुरी स्वभाव के लोगों का मौलिक भेद क्या है? कृष्ण के अनुसार दैवी एवं आसुरी स्वभाव के लोगों में क्या मौलिक भेद है? एक शास्त्र का पालन करता है,
एक काम कारण करता है और एक शास्त्र के नियम से करता है। ये मुख्य जी वो कह रहे पाँच सौ श्लोक में भी ऐसे आए थे ना, पाँच महीने सुनने श्लोक में ऐसे आया था। हाँ उधर भी आया था इधर भी है। मुख्य तो आपको पहले कुछ पढ़ाए थे, पांच छह और कारण लिखाए थे देव और अशोक के, एक और भी कारण आगे आएगा। सात्विक लोग देवी है, राजसिक और तामिक असुर। गुणों के भाव से ये विभाजन होगा और विष्णु भक्ता देव तत्व प्रिय असुर वो भी इसमें आएगा। बहुत से कारण है लेकिन ये मुख्य कारण है भगवत गीता का। अब भगवान दे रहे हैं सबको सलाह, परामर्श क्या दे रहे हैं? तस्मात् शास्त्रं प्रमाणन्ते करना चाहिए, व्यवस्था से क्या नहीं करना चाहिए क्या करना चाहिए ये शास्त्र से जानना चाहिए और शास्त्र को जानकर विधि विधानोक्तम, विधानोक्तम का मतलब जैसे शास्त्र ने विधि बताई है उसको जानकर जो कार्य करेगा उसको कर्म कर्तुं अर्हसि, इस संसार में वैसे ही कार्य करना चाहिए। इसलिए सबको शास्त्र के नियम के अनुसार चलना चाहिए, शास्त्र को जान के उसके नियम पालन करके उसके अनुसार कर्म करने चाहिए। क्योंकि काम क्रोध और लोभ शास्त्र के विरुद्ध है, ये तीन जो नरक के द्वार हैं ये शास्त्र के नियमों के उल्लंघन के कारण है। तो जो शास्त्रों के नियम का उल्लंघन करेगा वो अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त नहीं करेगा। शास्त्र वेद के रूप में जो विशास्त्र वेद है जो अपौरुषीय है जिसमें कोई त्रुटि नहीं है, ये किसी मानव ने नहीं लिखा है, दोषयुक्त नहीं है क्योंकि ये प्रमाण है। ये प्रमाण में जो शब्द लिखा है ये वेद के लिए है। हम पढ़े हैं ना इस उपनिषद में प्रमाण कौन सा मानना चाहिए, वेद प्रमाण, वेद के प्रमाण को मानना चाहिए। मानव में चार दोष है, चार दोषों से युक्त मानव की बात को नहीं वेद को मानना चाहिए। इसलिए विधि और निषेध जो शास्त्र में है विधान उक्तम, उसका अर्थ है कि आपको उसी के अनुसार कार्य करना चाहिए और ऐसे ही करो, ये निर्धारित आदेश है। ये कर्म है, कर्म के क्षेत्र में आप अपने कर्म को करो लेकिन यज्ञ समझ के कर्म करो, चाहे आपको अर्जुन युद्ध करना है ये भी यज्ञ समझ के करो, ये भाव है इसका। दूसरों के लिए उदाहरण बनो, और जो वेदों को जानेगा वो मुक्ति को पाएगा, नहीं तो कम से कम स्वर्ग तो जाएगा। जो वेदों का उल्लंघन करेगा नरक में जाएगा। ये है 16वें अध्याय का सारांश। श्री प्रभुपाद जी लिखते हैं 15वें अध्याय में कहा गया था वेदों के नियम सारे कृष्ण को जानने के लिए है। वैदेश सर्वे अहम एव वेद, तो कृष्ण को जानना भगवत गीता से जो कृष्ण भावना में है भक्ति में जो लगे हैं वो वास्तव में परम सिद्धि को प्राप्त करते हैं, क्योंकि ये गीता में वेदों का जो परम ज्ञान है वो दिया हुआ है। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने इसको और सरल करके कह दिया है, केवल हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो, पूरा मंत्र लिखा है
एक तो हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो, और दूसरा भगवान की सेवा में लगो, और तीसरा भगवान का प्रसाद खाओ। बस ये तीन काम करो, एक दो तीन। पहले बीच में से तात्पर्य में आया था, गृहस्थ कैसे बोलना है, किसी करना है, तीन काम यहाँ चेतन महाप्रभु ने बहुत सरल तीन बातें लिखी है, उनमें से प्रभुपाद जी ने यहाँ प्रसाद खाओ, उसमें प्रसाद नहीं है, पांच अंग में जो प्रत्यक्ष रूप के मैं भगवान की भी भक्ति में लगा हुआ है तो समझ लेना चाहिए कि उन्होंने सब वेद पहले से पढ़ लिए हैं, अब वो वेदों के सार को समझ के सिद्धि को प्राप्त कर चुका है। परंतु सामान्य व्यक्ति जो कृष्ण भावना में नहीं है और भक्ति के सेवा में नहीं लगा हुआ है, उसको वेदों के अनुसार क्या करना है क्या नहीं करना है वो जानकारी के अनुसार कर्म करना चाहिए। और फिर लिखते हैं ऐसे उसके लिए कोई तर्क वितर्क न करके ऐसे क्यों करूं, वो करना ही चाहिए। इसी को कहते हैं शास्त्र का पालन। क्यों करूं मैं, क्यों शास्त्र में लिखा है, क्यों करूं मैं, वो नहीं चलेगा, अनिवार्य है। अब शास्त्र में चार दोष नहीं है, ये वेद की बात है, वही लिखा है, कर्ण पाठ नहीं है, विप्रंसा नहीं है, प्रमाण है। अब प्रभुपाद जी कहते हैं क्योंकि ये चार दोष बदजीवों में होते हैं, इसलिए वो कोई अपना विधि निषेध का नियम नहीं दे सकता। इसलिए जो शास्त्रों के नियम है शास्त्रों ने दिए हैं, क्योंकि उसमें कोई दोष नहीं है और उनको यथारूप में स्वीकार किया है। किसने? आचार्यों ने, संतों ने और महात्माओं ने। प्रभुपाद कहते भारत में बहुत से आध्यात्मिक मार्ग वाले हैं, वो मुख्य दो विभाग में विभाजित है, एक निराकारवादी और एक साकारवादी। दोनों ही आध्यात्मिक शास्त्र का पालन करते हैं, दोनों शास्त्र के मर्यादाओं के अंदर चलते हैं, उनके सिद्धांतों का पालन करते हैं और अपने आप को उच्च स्तर के ऊपर सिद्धि को ले जाते हैं। इसलिए जो शास्त्र को ठीक तरह समझेगा उसको ही समझना चाहिए कि वो भाग्यशाली है। और मानव समाज में अगर भगवान को नहीं माना जाए तो पतन का रास्ता है, और ये बड़े से बड़ा मानव का अपराध है। देखिए पढ़िए जरा क्या लिखा है, मानव समाज का पालन किए बिना सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता, जो शास्त्रों के तत्पर को वास्तव में समझता है वो भाग्यशाली मानव नहीं, नहीं, नहीं। मानव समाज में समस्त पतनों का मुख्य कारण भागवत विद्या के नियमों के प्रति द्वेष है। हाँ क्या है, भगवान को समझने में मुख्य कारण है भागवत विद्या के नियमों के प्रति द्वेष। भगवत भगवान को नहीं जानता है, भगवान से द्वेष करता है, वो पतन के रास्ते में है, और ये बड़े से बड़ा अपराध है। लिखा है सर्वोच्च अपराध, सर्वोच्च बड़ा अपराध है। इसलिए माया जो भगवान की है वो सदा ही त्रिताप ऐसे लोगों को देती रहती है, और प्रकृति तीन गुणों की बनी हुई है, कम से कम हमको सतोगुण में आना चाहिए तभी हम भगवान को समझने के लिए कुछ प्रयास कर सकते हैं। जब तक कोई सतोगुण में नहीं आएगा, रजो और तमोगुण में रहेगा, तब तक उसको
तब तक उसका जीवन क्या लिखा है, तब तक उसका जीवन असुरी समझना चाहिए। क्या लिखा है? असुरी जीवन के कारण, वो असुरी जीवन ही बिता रहा है। अगर सातों गुण में नहीं है तो असुरी जीवन है। राजसिक और तामसिक जो है वो शास्त्रों का उल्लंघन करते ही है। चार बातें करते हैं, तीन लिखा है क्यों? पहले शास्त्रों का क्या करते, शास्त्रों की निंदा करते। क्या लिखा है? निंदा करते हैं, शास्त्रों का मजाक करते हैं, साधुओं का मजाक करते हैं और भगवान को सही में समझने का भी मजाक उड़ाते हैं। ये तीन काम करते हैं रास्तिक, राजसिक और तामसिक लोग। तीन दोष क्या है उनके? शास्त्रों की, पवित्र मनुष्य तथा भगवान के समुचित ज्ञान की खिल्ली उड़ाते हैं। और गुरु के आदेश का उल्लंघन करते, वो आगे आएगा। और शास्त्रों के नियमों का भी, तो ये तीन बातें यहां लिखी है। पहला लिखा है शास्त्र की, शास्त्र का मजाक उड़ाते हैं, साधुओं का मजाक उड़ाते हैं और भगवान के समझने की विधि का मजाक उड़ाते हैं। गुरु के आदेशों का उल्लंघन करते हैं, ये चौथा। और पांचवा है शास्त्र के नियमों की कोई परवाह नहीं करते। ये हो गए पांच। शंकर के भी उसमें आसक्त नहीं होते हैं और भक्ति की महिमा का श्रवण करके भी लोग उसके प्रति आकृष्ट नहीं होते। ये नाम अपराध जैसे लग रहे हैं कि नहीं? कुछ कुछ नाम अपराध जैसे लग रहे हैं। गुरु हो गया, साधु हो गया, ऐसे हैं। और वो जो है कुछ अपने ही विधि विधान बनाते हैं उच्च स्तर पे जाने के लिए। ये सारे दोष हैं जो असुरी जीवन का, तो ये असुर के, देखो यहाँ आ गया रजो और तमोगुण असुर की पहचान है। और रजो और तमोगुण वाले में ये पांच छह दोष होते हैं। अगर प्रमाणिक गुरु के निर्देश में कोई रहे तो उच्च स्तर में जाके अपने जीवन को सफल कर सकता है। या हमारा ये अध्याय पूर्णावधि पे पहुंचता है। तो अब ये तो हुआ पूरा अध्याय हमारा, अधरा सत्र श्रद्धा त्रयी विभाग योग। तीन प्रकार की श्रद्धा। तो अभी तक जो बातें हुई इसके ऊपर कोई आपका प्रश्न जिज्ञासा है? नहीं, कोई प्रश्न है प्रश्नावली में? असुरों के धार्मिक जीवन की व्याख्या कीजिए। असुरों के धार्मिक जीवन की व्याख्या कीजिए। असुरों के धार्मिक जीवन की व्याख्या कीजिए। मतलब क्या धर्म करते हैं? नाम यज्ञ अवधि पूर्वक, शास्त्र का कोई नियम नहीं। यज्ञ करेंगे, पूजा करेंगे, अपना भगवान बनाएंगे, अपनी पूजा की विधि बनाएंगे। शास्त्र का कोई प्रमाण नहीं है, ऐसा कोई उदाहरण है? एक तो वो श्लोक देना है। कौन सा श्लोक देना है? धन मान से अंधे होंगे दिखावे के लिए यज्ञ आदि करने, वो श्लोक है। कौन सा नंबर है? मदान विता यजन्ते नाम यज्ञे से अभी दिन पूर्वक में ऐसे कुछ होगा। काम आश्रित दुष्पुरा दम्भमान
मदान विता फिर ये जन से सत्रह सत्रह यज्ञ करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, अपना ही आत्म संभाविता इष्टपदा धनवान मदान विता जनते नाम जनने से ये है, ये श्लोक है इसका उत्तर। इसके अनुवाद में देखिए और इसके नीचे तात्पर्य पढ़िए इसमें क्या लिखा है, वो सब उनकी पूजा है। सत्रह अध्याय में पहले विभाग में सात श्लोक हैं, एक से सात तक। हमारी श्रद्धा और हमारी पूजा गुणों के अनुस्वार होती है, पूजा और श्रद्धा गुणों के आधार पे होती है। श्रद्धा किसकी पूजा करेगा, क्या श्रद्धा किस में श्रद्धा रखेगा, इसका कारण है गुण। अर्जुन पहले प्रश्न पूछ रहा है, पहला श्लोक अर्जुन का प्रश्न है, ये शास्त्रं विधिमुत्सर्ज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठातुका कृष्णा सत्वं आहो रजस्तमः। ये शास्त्र विधिमुत्सर्ज्य, शास्त्रों की विधि का तो उल्लंघन कर लेते हैं, क्यों करते हैं, मुश्किल समझ में नहीं आता है, एक कारण आलस है, कौन करे, आलस के कारण या समझने में असमर्थी के कारण शास्त्र को नहीं मानते, परंतु यजन्ते पूजा करते हैं श्रद्धान्विता बड़े श्रद्धा के साथ, किसी देवता की पूजा करते हैं अथवा किसी विशेष व्यक्ति को अपना आराध्य बना के उसकी पूजा करते हैं। तेषां निष्ठा तो का कृष्ण, कृष्ण उसकी निष्ठा कौन सी है, सात्विक है अथवा राजसिक या तामसिक, और बीच में डाल के दोनों को अलग किया, इससे एक बात समझनी चाहिए, सातवें अध्याय में जो सात्विक है वो स्वीकार करना चाहिए, राजसिक और तामसिक से बचना चाहिए, और यहां से ही बता रहा है कि सात्विक जो भी है फिर भी ठीक है, राजसिक और तामसिक से बचना चाहिए। सत्रह अध्याय में चक्रवर्ती पाद लिखते हैं अर्जुन का प्रश्न है, सतो तमो रजोगुण में कैसे कार्य होता है ये वर्णन किया जाएगा। असुरों का वर्णन हो गया कि वो शास्त्र का उल्लंघन करते हैं, यही बताया गया कि शास्त्रों के नियमों का उल्लंघन करते हैं तो उनको सुख आदि नहीं मिलता। तो अर्जुन का ये प्रश्न अब है, क्या है, शास्त्र को तो छोड़ दिया, अपनी इच्छा से छोड़ दिया, जान नहीं पाया इसलिए छोड़ दिया, आलस के कारण छोड़ दिया, तो अब निष्ठा क्या है उनकी, अब आधार क्या है उनकी पूजा का, तप कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, तप यज्ञ कर रहे हैं, ज्ञान यज्ञ कर रहे हैं, जप यज्ञ कर रहे हैं, कौन सी श्रद्धा है, श्रद्धान्विता इच्छा है उनकी, ये कार्य करते हैं, उनका कोई फल नहीं चाहिए, काम तो करते ही रहते हैं, क्या ये सात्विक है अथवा राजसिक या तामसिक है, बताइए। अहो का मतलब भगवान से जिज्ञासा कर रहा है। तो अर्जुन के इस प्रश्न के उत्तर में भगवान सतो रजो और तमो गुण के आधार के ऊपर सत्रहवें अध्याय में बहुत सी चीजों का वर्णन करेंगे, यज्ञ कैसा सात्विक होता है, दान कैसा सात्विक होता है, ये सब आएगा। अब प्रश्न क्या है अर्जुन का, उन्होंने वेद पढ़ा है परंतु समझ में नहीं आया, उसके
नियमों को पालन में करने में वो समर्थ नहीं है, और भी कोई कारण हो सकता है, परंतु वो देवता की पूजा करता है श्रद्धा के साथ, जैसे समाज में प्रचलित है, जैसे लोक देवता होते हैं, लोक पूजा होती है, शास्त्र पूजा नहीं, लोक पूजा है बहुत सारी जो प्रचलित लोगों में चलती है, बहुत से ऐसे आपने लोग सुने होंगे, वही वो उसी किसी खास गांव की या किसी खास जाति की अपनी कोई पूजा की विधि, और सबकी नहीं है, शास्त्र की भी नहीं है, लोक विचार से चलता, तो उनका क्या होगा, क्या वो सात्विक है या क्या वो देवी है या असुरी है, श्रद्धा तो है इनको। श्री प्रभुपाद जी लिखते हैं चौथे अध्याय के 39वें श्लोक में, ये पता है प्रभुपाद जी क्या गया, चौथे अध्याय के अध्याय 4 के 39 श्लोक में लिखा है, श्रद्धावान लभते ज्ञान तत्पर संयत इंद्रिय ज्ञान अचनाधि, तो वहां श्रद्धा की महिमा की गई है, जो श्रद्धा वाला है उसको ज्ञान प्राप्त होगा और सिद्धि को प्राप्त करेगा और समृद्धि को प्राप्त करेगा, और 16वें अध्याय में लिखा है निर्णय क्या दिया है, शास्त्र का उल्लंघन करने वाला असुर और शास्त्र के ऊपर चलने वाला देव। अब किसी की श्रद्धा है परंतु शास्त्र के नियम को पालन नहीं कर रहा, उसका उसकी गति क्या होगी, उसकी निष्ठा क्या है, ये अर्जुन का संदेह है जो कृष्ण से स्पष्ट करके जानना चाहता है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं ये कौन से लोग हैं जिन्होंने किसी को भगवान बना लिया है, किसी व्यक्ति को ही पूजनीय बना लिया है, उसके अंदर श्रद्धा रख दी है और उसकी पूजा करते हैं, तो उसकी पूजा सात्विक राजसिक या तामसिक कही जाएगी, ये प्रभुपाद जी का कहना है। क्या ऐसे लोगों को सिद्धि प्राप्त होगी, क्या ये वास्तव ज्ञान को प्राप्त करेंगे और परम सिद्धि को प्राप्त करेंगे, ये वेदों का नियम नहीं पालन करते, शास्त्र का नियम नहीं पालन करते, परंतु किसी विशेष देवता में या किसी विशेष व्यक्ति में श्रद्धा है तो क्या उनको सफलता मिलेगी उनके प्रयास में, अर्जुन का ये प्रश्न, चार प्रश्न चिन्ह है प्रभुपाद जी। श्री भगवान त्रिधा भवति श्रद्धा श्रद्धा तीन प्रकार की होती है, श्रद्धा के तीन विधा है, एक विधि होती है एक विधा होता है, विधा है निष्ठा, विधि है साधन, विधा का मतलब निष्ठा, विधि साधन है और विधा निष्ठा, ये विधा शब्द एक और जगह पे आया है, तीसरे अध्याय में आया है, देखो शायद तीसरे में है या पांचवें में, निष्ठा चतुर्विधा भी है, एक तीसरे वहां भी निष्ठा शब्द, द्विविधा निष्ठा पराप्रोक्ता पुरातन, द्विविधा निष्ठा पराप्रोक्ता पुरातन ज्ञान यज्ञ न सांख्यान योग यज्ञ क्या करेगी श्लोक होगा, तो वहां जो विधा शब्द है वो विधा शब्द है, विधि नहीं, विधि साधन है, ये विधा का मतलब निष्ठा, विधि और विधा में थोड़ा सा अंतर है। त्रिविधा देही नाम श्रद्धा,
देहधारियों की श्रद्धा तीन प्रकार की होती है त्रिविधा। बोले आती कहां से? सास स्वभाव जा, उसके स्वभाव से जन्म लेती है। स्वभाव कब से आता है? पूर्व जन्म के स्वभाव से, स्वभाव से जन्म लेती है और वो सतो रजो तमो की होती है। इसके विषय में मुझसे सुन। अब फिर एक बार आपको बताया था, फिर उसको याद कीजिए। श्रद्धा कहां से उत्पन्न होती है? स्वभाव से। स्वभाव कहां से बनता है? प्रकृति के तीन गुणों से। प्रकृति के तीन गुणों का प्रभाव कहां पड़ता है? सूक्ष्म शरीर पे, जिसको कहते हैं अंतःकरण। में तो इसका मतलब है हमारे स्वभाव हमारे साथ अंतःकरण में रहते हैं। हमारे हरेक के स्वभाव जन्म से अंतःकरण में हमारे साथ रहते हैं, जो है जिसके ऊपर प्रकृति के गुणों का प्रभाव होता है। ये बात कही जाएगी यहां। चक्रवर्ती पाद कहते हैं, अर्जुन पहले ये मुझसे सुन लो, जो शास्त्र का नियम नहीं छोड़ते हैं वो किसकी पूजा करते हैं, फिर जो छोड़ते हैं उनकी बात करेंगे। उसके उपरांत मैं आपको कहूंगा कि शास्त्र के नियम छोड़ने वाले जो पूजा करते हैं वो क्या होती है। पहले तीन प्रकार का जो तीन प्रकार की जो श्रद्धा है उसको सुन लो, जो स्वभाव से उत्पन्न होती है, जो उसके पूर्व जन्म के बहुत बड़े अनुभव से होती है। किसी देवता की पूजा करता है परंतु तो शास्त्र का नियम पालन नहीं करता है, वही आलस के कारण अथवा किसी कारण से, यह स्वभाव से उत्पन्न होता है। श्रद्धा स्वभाव से आती है। तीन प्रकार की श्रद्धा होती है, सतो रजो और तमो की। किसके लिए? अनादि जीव जो शरीरों में फंसा हुआ है प्रकृति के तीन गुणों के प्रभाव में आने से, इसका मतलब बद्ध जीवों की अनादि काल से ये चला हुआ है, उनको आध्यात्मिक चेतना नहीं है, उनके पास आध्यात्मिक ज्ञान बुद्धि नहीं है जो शास्त्र से प्राप्त होती है, जो भक्तों के संग में मिलती है उनके पास नहीं है। अब एक बात कही जा रही है, इसको फिर समझो एक बार आराम से। हमारे स्वभाव के अनुसार हमारी श्रद्धा होती है और हमारा स्वभाव कई जन्मों से बनता आ रहा है, जो हमारे अंत्यकर्म में हमारे साथ होता है। अगर हम शास्त्र के नियमों का पालन और भक्तों का संग करेंगे तो स्वभाव को बदल सकते हैं, ये कहा जाए। जिसके पास आध्यात्मिक बुद्धि नहीं है और शास्त्र और साधु का संग नहीं करेगा तो स्वभाव बदल नहीं सकता, परंतु स्वभाव वो कैसा भी, परंतु साधु का संग करने से और शास्त्र को समझने से स्वभाव में परिवर्तन लाया जा सकता। शास्त्र का जो शास्त्र की श्रद्धा और है, देखो शास्त्र की श्रद्धा के आधार पे तो हमने तीन प्रकार के भक्तों को विभाजित किया हुआ है, याद है। शास्त्र की श्रद्धा ही तीन प्रकार के भक्तों के विभाजन का कारण है, कनिष्ठ मध्यम और अधिकार श्रद्धा अनुस्वारी। तो शास्त्र की श्रद्धा नहीं है, ये है तीन गुणों की श्रद्धा। दोनों श्रद्धा में अंतर समझ में आया? शास्त्र की श्रद्धा और है और ये है गुरु के प्रभाव से अंतःकरण से जन्म लेने वाली श्रद्धा। तो जो शास्त्र की श्रद्धा से काम करेंगे वो तो भक्त हो जाएंगे, कनिष्ठ मध्यम मध्यम से उत्तम।
परंतु शास्त्र के नहीं अपने गुणों की श्रद्धा से काम करेंगे तो अपने उस स्तर पर रहेंगे। अब प्रभुपाद जी लिखते हैं जो शास्त्र के नियमों को और क्या लिखा है नियमों को विधि विधानों को जानता है और विधि विधानों को जानते हैं ओ हाँ परंतु आलस के कारण या किसी और कारण से उनका पालन नहीं कर सकते हैं तो फिर उनको प्रकृति के तीन गुणों के अधीन काम करना पड़ेगा। तो अब ये एक बहुत सरल सा इसका अर्थ समझ लीजिए, हमारे काम करने के लिए दो रास्ते हैं, या तो शास्त्र के नियम से करें नहीं तो अपने स्वभाव से करें। हमारा जो स्वभाव है उससे करें, हम शास्त्र का सहारा और भक्तों का संग न करें तो सामान्य स्वभाव से करें और शास्त्र और उसको लेंगे तो भक्ति हो जाएगी, क्योंकि शास्त्र के अनुसार चलना साधन भक्ति की परिभाषा है। साधन भक्ति क्या है? शास्त्र के नियमों से के अनुसार गुरु के निर्देश में चलना और उसी के ऊपर कोई संदेह न करना और न करने का भी आग्रह न करना। मैं नहीं करूंगा ऐसे भी नहीं कह सकते, करना ही पड़ेगा। जीवों का गुरु के साथ संग अनादि काल से चलता आ रहा है और उनकी मानसिकता अलग रहती है, जिस गुण का संग होती है वैसे उनकी मानसिकता रहती है। प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं? परंतु उसके स्वभाव को बदला जा सकता है अगर वो प्रमाणिक गुरु का संग करे और शास्त्र के विधि विधानों का पालन करे तो स्वभाव बदल सकता है और धीरे धीरे अज्ञान से सतोगुण, तमो से सतो में, अर्जुन से सर्वगुण में आ सकता है। तो सारांश ये निकला, अंधा विश्वास नहीं करना चाहिए, ऐसे किसी गुण के विश्वास से काम नहीं चलेगा। हमको सिद्धि के स्तर पे आना चाहिए, हमको बहुत सावधानी से और बुद्धि से चीजों को समझना चाहिए भक्तों के और गुरु प्रमाणिक गुरु के संग में, तब हम नीचे के गुरु से ऊपर के गुरु की तरफ जा सकते हैं। वही बात लिखी है जो आपको बताई। अब एक श्लोक पढ़ के कथा को यहां विराम देते हैं। सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत श्रद्धामयो अयम पुरुषो योय श्रद्धस्येव सः। सत्व अनुरूप सर्वस्य श्रद्धा भवति। अब सत्व जो जहां जो शब्द है इसका क्या अर्थ है? अस्तित्व, अस्तित्व का अर्थ है अंतःकरण। हमारा अस्तित्व हमारे अंतःकरण के साथ चलता है, तो यहां सत्व जो है उसका अर्थ है अस्तित्व। दोनों आचार्यों ने लिखा है अंतःकरण, हमारे अंतःकरण के स्वभाव के अस्तित्व के अनुसार हमारी श्रद्धा होती है, ये भारतवंशी। और फिर एक शब्द लिखा है श्रद्धा मयो अयम पुरुषः, ये व्यक्ति बना हुआ ही श्रद्धा का है। इसका मतलब ऐसा दुनिया में कोई है नहीं जिसमें श्रद्धा नहीं है, श्रद्धा सब तो बने हुए। श्रद्धा हमारे अंदर कूट कूट से भरी, हमारे स्वभाव में श्रद्धा तो है ही, कहाँ है ये पता नहीं। ऐसा नहीं श्रद्धा कहीं बाहर से लानी, श्रद्धा मयो अयम पुरुष है। एकमात्र उदाहरण देते थे कि दाल में नमक ज्यादा हो तो लोग कहते हैं अरे नमकमयी दाल है कि नमक है, क्योंकि नमक ही नमक हो गया। तो आदमी बना हुआ ही श्रद्धा ही श्रद्धा का, श्रद्धा सबके ऊपर है दुनिया में। हम कहते हैं वो हजम के ऊपर, नाई के ऊपर श्रद्धा है, चाकू लेके ऐसे गर्दन नीचे करो कहता है हम बैठे होते हैं कि हमको सुंदर बनाया, श्रद्धा है तब ना, भाई चाकू है काट भी सकता है ना, उसके ऊपर श्रद्धा है। वो बस में चढ़ के जाते हैं, ड्राइवर के पास लाइसेंस है कि नहीं हम तो नहीं पूछते, नशा किया हुआ नहीं, श्रद्धा है तब ना। तो दुनिया में सब श्रद्धा है लेकिन भगवान और शास्त्र के ऊपर नहीं।
साधु के ऊपर श्रद्धा नहीं, भगवान के ऊपर नहीं, यही एक समस्या है। तो श्रद्धा तो सबको है, जिसकी जैसी श्रद्धा हो वैसा है, जैसी जैसी जिसकी श्रद्धा हो वैसा व्यक्ति, श्रद्धा का तो बना हुआ है, सब सब बना हुआ है, सब श्रद्धा के हैं। यह सत्व का अर्थ है हमारा अंतःकरण। ये चक्रवर्ती पाद स्पष्ट लिखते हैं, सत्व शब्द का अर्थ है अंतःकरण, जो हमारा अस्तित्व है, जो हमारे साथ चलता है। और तीन प्रकार का अंतःकरण होता है, सात्विक, राजसिक या तामसिक। अगर अंतःकरण है सात्विक तो श्रद्धा हो गई सात्विक, अंतःकरण है राजसिक तो श्रद्धा हो गई राजसिक, अंतःकरण है तामसिक तो श्रद्धा हो गई तामसिक। तो जिस श्रद्धा के साथ किसी देव की, असुर की, यक्ष की, किसी की भी पूजा करेंगे तो पता लगेगा देव की पूजा कर रहा है तो सात्विक श्रद्धा वाला है, असुर की पूजा कर रहा है तो राजसिक है, और राक्षस की कर रहा है तो तामसिक है। अब एक सत्व का दूसरा अर्थ लिखा है बलदेव विद्याभूषण ने, और प्रभुपाद ने भी तात्पर्य में लिखा है, श्रद्धा की उत्पत्ति सत्वगुण से होती है। श्रद्धा का जन्म कहां से होता है? मेरा सत्वगुण से। श्रद्धा सत्वगुण का कार्य है, और ये तीन प्रकार की हो जाती है देहधारियों के अंतःकरण के अनुसार। और अंतःकरण क्या है? हमारा सूक्ष्म शरीर, मन, बुद्धि, झूठा अहंकार और चित्त, इसका मतलब जिसमें जानकारी रहती है। और ये अंतःकरण के ऊपर तीनों गुणों का प्रभाव पड़ता है, उसी से ये बनता है। फिर वही सत्वगुण का अंतःकरण है, तो सत्वगुणी वृत्ति से स्वभाव हो जाएगा और सत्वगुणी श्रद्धा हो जाएगी, तामसिक अंतःकरण, तामसिक, ऐसे तीनों बातें। सामान्य जो लोग हैं, अयम पुरुष है, सामान्य जो व्यक्ति है, उनकी श्रद्धा इन तीन प्रकार की होती है। सात्विक, कोई देवता की करता है, कोई यक्ष की करता है, कोई प्रेत की करता है, ये बलदेव विद्याभूषण ने लिखा है। तो जिसकी पूजा करते हैं उससे पता लगेगा इसकी श्रद्धा कैसी। अब श्री प्रभुपाद जी क्या लिख रहे हैं, हरेक की श्रद्धा, वो चाहे कुछ भी हो, हरेक अपनी श्रद्धा के अनुसार ही, क्या लिखा है पहले लाइन क्या लिखा है पढ़िए, प्रत्येक व्यक्ति में चाहे वो जैसा भी हो विशेष प्रकार की श्रद्धा पाई जाती है। अपने व्यक्ति में विशेष प्रकार की श्रद्धा पाई जाती है, कैसा भी व्यक्ति हो, इसका मतलब है सात्विक हो या राजसिक हो या तामसिक हो, परंतु कोई श्रद्धा उसके अंदर होगी। और जब सात्विक, राजसिक या तामसिक श्रद्धा होती है तो उसका वैसा ही स्वभाव होता है, प्रभुपाद ने लिखा है। और जैसी श्रद्धा होगी वैसे लोगों के साथ संग करेगा। 15वें अध्याय में क्या लिखा है, वास्तव में भगवान का अंश है जीव, इसलिए उसकी दिव्य स्थिति है, ते प्रकृति के गुणों से परे होता है। परंतु जब भगवान के संबंध को भूल जाता है तो प्रकृति के गुणों के संसर्ग में आ जाता है, और तब से उसके संग के कारण उसके भौतिक प्रभाव नाना प्रकार का पड़ता है, और उसके कारण उसका कैसा श्रद्धा कैसी होती है, भौतिक होती है और कृत्रिम श्रद्धा लिखा है क्या, कृत्रिम श्रद्धा लिखा है, भौतिक गुण के संग के कारण भगवान से भूलने से वो प्रकृति के प्रभाव से उसकी कृत्रिम श्रद्धा हो जाती है, वो केवल भौतिक होती है। है तीनों गुणों से परे, परंतु गुणों के कारण उसके ऊपर प्रभाव पड़ा है, वो निर्गुण, इसलिए हमारे को भौतिक कलमश से, तीनों गुणों से ही मुक्त होना चाहिए और अपना भगवान के साथ संबंध स्थापित करना चाहिए। और यही एक मार्ग रास्ता है भगवत धाम जाने का, और वो है कृष्ण भावना, जिसमें कोई भय नहीं। अगर कोई कृष्ण भावना में स्थित है
तो उसके लिए परम सिद्धि निश्चित है। अगर कोई आध्यात्मिक आत्म साक्षात्कार का रास्ता नहीं लेता है तो निश्चित रूप से वो प्रकृति के तीन गुणों के प्रभाव से प्रभावित होगा। श्रद्धा जो शब्द है ये महत्वपूर्ण इस श्लोक में है। श्रद्धा, देखो ये लाइन लिखिए ध्यान से, इसको अंडरलाइन कर लो। श्रद्धा सतोगुण से उत्पन्न होती है। क्या लिखा है? ठीक है, और कोई अगर देवता की पूजा करता है या कोई अपना मनमाना भगवान बनाता है तो ये उसकी श्रद्धा के अनुसार है। और किसी का प्रबल श्रद्धा है तो वो सतोगुण के कार्यों के कारण है। परंतु भौतिक जगत में कोई भी कार्य पूर्ण पवित्र नहीं होता है, उसमें अन्य गुण का प्रभाव पड़ता है। शुद्ध सत्व हो जाए तो बहुत, तो भगवान को जानना बहुत आसान है। वास्तव भगवान को जानना वास्तव में आसान है। जब तक हमारी श्रद्धा पूर्ण रूप से पवित्र नहीं हो जाएगी, शुद्ध सत्व नहीं आ जाएगी, तब तक तीनों गुणों का प्रभाव रहेगा। और इनका प्रभाव हमारे हृदय के ऊपर होता है। ये हृदय अंतःकरण का ही है। इसमें हमारे पुस्तक में जो शब्द हृदय है ये अंतःकरण का सूचक है। जैसे हृदय का जिस गुण के साथ, अंतःकरण का जिस गुण के साथ संबंध है, वैसा हमारा श्रद्धा मानी जाएगी। अगर कोई सात्विक अंतःकरण वाला है तो सात्विक श्रद्धा, राजसिक अंतःकरण वाला है तो राजसिक श्रद्धा, तामसिक अंतःकरण वाला है तो तामसिक श्रद्धा। और इन्हीं श्रद्धाओं के आधार के ऊपर अलग अलग संसार में मजहब है। इन श्रद्धाओं में अलग अलग संसार में मजहब बना रखे हैं। वास्तविक जो सिद्धांत है धर्म का, धर्म की श्रद्धा का, वो तो होना चाहिए विशुद्ध सत्व में, जिसमें अंतःकरण बिल्कुल पवित्र होता है। और नहीं होगा तो फिर नाना प्रकार के अलग अलग धर्म इन श्रद्धाओं के अनुसार है। और जैसे जैसे जिसकी श्रद्धा वैसे वैसे उसकी पूजा। यह हमारा आज का श्लोक पूरा हुआ। तीन पूरे हो गए, कल आगे बढ़ेंगे।